कैसे घुल गई थी हम जीवन के साथ, परिवेश के साथ, खान पीन के साथ, संस्कृति के साथ। बचपन में सबसे बड़ा दुख था, वैसे बहुत दुख एकदम जीरो। छोटे भाई की तरह मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाता। चार कन्याओं के बाद का भाई कितना दुलारा, कितना प्यारा, उसके जन्मदिन में कितने लोग आते, मीठे मीठे गुलगुले, कितनी मिठाइयां, कितना गाना। आज इस जाने
जाती है नौकरी के लिए। और वहां बुद्धि जी भी सुनील के साथ उसकी मुलाकात होती है और मैं तो दुकान में और उसकी बातें अच्छा गाना सुनो अच्छा पढ़ो अच्छी सिनेमा देखो और वो सुदीप इंटेलेक्चुअल सुदीप दिल्ली से कलकत्ता आएगा सारा घर बैठ के इंतजार कर रहा है सुदीप आएगा सुदीप नहीं आता आता है हाँ जिसमें लिखा है इतने दिनों तक उसने चुन चुन कहा सब झूठ सारा घर आक्रोश में कहता है बताओ इस चिट्ठी में क्या लिखा है सबको समझा कर बताओ कहती है उन्हें उन्हें गलत का सच हुआ वो तो हमारे तरह है वो तो हमेशा कहते हैं कि आज कल के दौलतमंद रईस नेता वो फखर करके कहते हैं कि मजदूर ही हमारी सोसाइटी का सबसे खास आदमी है जैसे तो मुझे हंसी आ गई मचे रहने से मुझे आदमी खास नहीं हो जाता मैं इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता उसके लिए कोशिश की जरूरत है मजदूर ही हमारी सोसाइटी का सबसे खास आदमी है तो क्यों नहीं कोई उनके लिए नाटक लिखता है गाने लिखता है असल बात तो ये है कि मजदूरों के लिए कुछ करने से पहले हमें उनके रास्ता होना होगा जो काम नहीं कर पाते इस सारा का सारा देश समाज मिलकर सोसाइटी के सबसे खास आदमी को हल्के गाने जासूसी रुमाली उपन्यास और देश भर के सिनेमा हॉलों में मार खा वाली कामुकता से भरी फिल्में और औरत के चेहरे और जिस्म के विज्ञापन से सारा का सारा मुल्क भर उठा है ऐसा कुछ जिसे देखते सुनने से काम चल जाता है तुम क्या हद में नहीं है ऐसी किताबें जो सोचने की मजबूर नहीं करती तुम क्या हद में देंगे ऐसी फिल्में जो वक्त काटने के लिए कुछ नहीं देती तुम क्या हद में देंगे ऐसा गाना जो हमें पशु की तरह आनंद देता है ऊपर नहीं उठाता तुम चाहो तुम्हें देंगे हमें तो कुछ और चाहिए भी नहीं ऐसा कुछ जो हमें ऊपर उठाए किया चक्रवर्ती नांदीकर की किया चक्रवर्ती
चक्रवर्ती, कितने साल, कितने महीने, कितने बरस, आज भी मैं उनको बुला नहीं पाती। उनका वो कमिटमेंट, उनका वो थिएटर का प्रेम मुझे आज भी नहीं भूलता। बीबी का ना जोड़ का छोड़ा छोड़ा रास्ता, मैं और किया दी दोनों उस सर्दियों के दिन में रास्ते में पढ़ते जा रहे थे। अच्छा मैंने देखा रास्ते में थर-थर-थर-थर कांपती बुढ़िया चुपचाप कोने में बैठी हुई है, आंख में पुराना चश्मा। के आदि ने उसकी गरम चादर उतारी और उसके बदन पर डाल दी। थिएटर करने के लिए स्कॉटिश चर्च की नौकरी छोड़ दी। हम आप कहेंगे, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बहुत बहुत अच्छा अच्छा इंसान अगर ना हो तो बहुत ऊंचा काम नहीं कर सकता। पता नहीं पीछे मुड़कर देखती हूँ, इतिहास की दीवारों से मुझे धक्का मार कर एकदम खत्म, पर उनकी यादें सामने आ जाती हैं। बचपन में हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, उसकी हरी हरी नरम नरम पत्तियां नींद से उठकर कैसी कैसी लाइफ लाइफ सेंस नई जिंदगी। एक दिन देखा स्कूल से आकर वापस देखा, या जाना पड़ेगा।
ज्ञान किसे कहते हैं? कानून में आपने ढंग से जानती थी, पति का कानून तो कुछ और है। इस कानून के नियम से कोई लड़की मौत के मुंह में पड़े पिता को तकलीफ से छुटकारा नहीं दिला सकती। इस कानून के नियम से कोई पत्नी पति की जान नहीं बचा सकती। क्या मालूम ये कानून सही है कि नहीं, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। इन 8 सालों में बड़े धीरज के साथ मैंने इसकी राह देखी। उसके पति घटना घटती कुंदन की चिट्ठी लेकर पहुंचने पड़े रही, पर एक पल को मैंने नहीं सोचा उसकी बातों को मान लो। पता नहीं कैसे विश्वास था कि तुम आगे बढ़कर मेरे सारे बोझ को अपने कंधों पर ले लोगे। पैसा কেউ কিছু
बोले ना हमारे घर बाड़ी बासुर बच्चो हाथे तुम्हें आंखा सब चीज कोलकाता चले गए दीदी ये अनिमादी नोरा ये निर्वासन कब कठिन होगा मुझे मालूम नहीं धीरे धीरे इनके साथ ग्रो कर रही थी पढ़ना सारी जिंदगी कॉलेज में पढ़ाती तो शायद ही अनुभव ना होती आपका ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का बीज कहाँ है एक बड़ी सी तस्वीर मेरे सामने आ जा रही है गोर की और ब्रेस्ट की एक अनपढ़ माँ जिसे कभी कुछ पढ़ा नहीं वो कैसे आंदोलन की नेत्री बन जाती है पहली भाई सिविल के हाथ में लाल झंडा हजार हजार लोगों की भीड़ मेहनती मानुषों की भीड़ और सिविल के हाथ में झंडा हम मालिकाओं से बातचीत नहीं करेंगे अचानक गोली की आवाज ये समिति बनाइए डॉक्टर के फेरा बन गए
बंदे आकर वहां को घेर लेते हैं और अब उसको पीटना शुरू कर देते हैं और वो दौड़ती है पर्ची को लेकर दौड़ती है उसके फिर करती है बचाओ 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 कोई हमारे वर्ग का कोई आदमी नहीं आ रहा अचानक एक दिन बड़ा साहब ने देखा खुले मंच में एक वृद्ध उठे